Hello everyone, it's me Devanshi and today we are going to deal with the chapter Federalism. Now, what is the term federalism? Let us understand with the example of a school. How the teachers in a school, how are they constructed? Now, अगर हम बात करें एक class का जो main lead head होता है वो होता है class teacher. Class teacher के ऊपर आता है supervisor और supervisor के ऊपर आता है principal. तो ये जो तीन parts होते हैं वो जो होते हैं school के main तीन organs होते हैं, ठीक है? जो कि school को अच्छे से help कराते हैं run करने में. अब जहाँ यहाँ पे अगर हम फेडरलिज्म की बात करें, फेडरलिज्म मतलब कि पावर्स का पूरी कंट्री में इक्वली शेयर होना ताकि एफिशिएंटली जो है हमारी कंट्री रन हो सके. अब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि फेडरलिज्म को फॉलो करती है क्योंकि इंडिया में जो है तीन पार्ट्स में पावर को डिवाइड कर दिया जाता है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल. नाउ वी विल अंडरस्टैंड इन फर्दर चैप्टर हाउ इज इट पॉसिबल. नाउ आई हैव टोल्ड दैट फेडरलिज्म मींस डिवीजन ऑफ पावर्स इन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म? First feature is this only, ki the power is divided into central or state level and in some of the other times the third organ is also responsible for sharing of power. Now the second one is the Supreme Court is the head of all these things. If any dispute takes place between any organ of the or any level in the government, then Supreme Court will be responsible for dealing with the disputes that have taken place. And also the taxes and the revenue, that all the situations over here, how much revenue and how much tax is to be collected from the people and where is it need to be invested, this all comes under federalism. And the citizens play an important role in federalism as they only constitute in forming a government by dealing with elections and forming their new leaders. So these were the features of federalism. Moving forward with types of federalism. Federalism, as I told, ki division hota power ka, lekin ye bhi do types mein hota hai. Ek coming together federalism. And ek holding together. अब अगर इसको आसानी से याद करना है कि इसका मतलब क्या होता है तो यू कैन लर्न इन दिस वे. कमिंग मतलब एक साथ आना, एक यूनिटी के टाइप फॉर्म करना. यूनिटी मतलब छोटे छोटे इसमें जो पार्ट्स होते हैं स्टेट के या फिर कंट्री के, वो एक साथ आके एक गवर्नमेंट बनाते हैं. इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हाईएस्ट अथॉरिटी होती है और वो इररेस्पेक्टिव होता है स्टेट लेवल के. तो स्टेट लेवल जो है वो कुछ नहीं करता है. इसमें जो मेन फंक्शन होता है वो सेंट्रल लेवल का होता है. और इसका मैं अगर एग्जांपल दूं तो ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए में काम आता है. ये जो ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए में, ये भी फेडरल कंट्री है बट इसमें कमिंग टुगेदर फेडरेशन है. अब अगर मैं बात करूं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जो है वो इंडिया में जैसे पावर्स जो है डिफरेंट डिफरेंट लेवल में डिवाइड कर दिया गया है, स्टेट लेवल, लोकल लेवल एंड द ऑल इंडिया लेवल, नेशनल लेवल. सो दिस इज हाउ द पावर इज शेयर्ड इन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. अब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में ना अलग अलग स्टेट्स के, मतलब अलग अलग लेवल्स में, अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग अमाउंट ऑफ ज्यूरिडिक्शन शेयर किया जाता है. मतलब एरिया ऑफ कंट्रोल, ज्यूरिडिक्शन मतलब एरिया ऑफ कंट्रोल. हर एक लेवल का अलग अलग एरिया ऑफ कंट्रोल होता है. जो स्टेट लेवल है या जो लोकल लेवल है वो सेंट्रल लेवल में अपना टिप्पणी नहीं दे सकती, मतलब अपनी जजमेंट नहीं रख सकती. तो इट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ द सेंट्रल लेवल. सो दिस वॉज द टॉपिक ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. इसका एग्जाम्पल है इंडिया. इंडिया इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एंड इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. सो मूविंग फॉरवर्ड विद यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. अब ये लिस्ट क्या चीज है? मतलब हमारे ये देश को बनाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है. तो ये सब जो है, ये पूरी जो चीजें चाहिए एक कंट्री को एक अच्छा कंट्री बनाने के लिए, उसमें काम आते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. अब यूनियन लिस्ट मतलब कि इसमें सेंट्रल लेवल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. और जो ये यूनियन लिस्ट है इसमें सिर्फ वही सब सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि पूरे इंडिया, जो पूरे कंट्री के लिए फायदेमंद होते हैं. और अगर मैं बात करूँ स्टेट लिस्ट की, तो स्टेट लिस्ट में वही सब्जेक्ट्स आते हैं जो स्टेट से रिलेटेड होते हैं, जो सिर्फ स्टेट लेवल ही जज करती है, सेंट्रल लेवल नहीं जज करती है. सिर्फ स्टेट ही जज कर सकती है कि उसको अपने स्टेट में क्या चेंजेस चाहिए. उसके एग्जाम्पल हो जाएगा पुलिस.
हम हर एक स्टेट के लिए अलग अलग पुलिस ऑफिसर्स होते हैं ना, तो वो एग्जांपल हो जाएगा स्टेट लिस्ट का। अब कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है ना कि सेंट्रल सेंट्रल लेवल वाले जो भी कॉर्पोरेशंस होते हैं और जो स्टेट लेवल वाले कॉर्पोरेशंस होते हैं वो कंबाइन करके जो लिस्ट बनाते हैं उसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। ये इसमें स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन लेता है और इसमें 47 सब्जेक्ट्स आते हैं, मतलब 47 सब्जेक्ट्स के ऊपर कॉन्करेंट लिस्ट बनाया गया। उसका एग्जाम्पल हो सकता है कि जिसमें मैरिज हो गया, अडॉप्शन हो गया, ये सब जो है पूरे ऑल इंडिया में भी होता है और स्टेट्स पर्टिकुलर स्टेट्स में भी होता है, तो इसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, जो ऑल इंडिया के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है और स्टेट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मैं बात करूँ रेसिड्यूरी लिस्ट की, मतलब कि ये इररेस्पेक्टिव है ये तीनों के, मतलब ये तब लिस्ट बना था जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ था। ये जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उस टाइम ये लिस्ट नहीं था, दिस हैड बीन एडवांस्ड एंड मेड राइट नाउ ओनली, अभी के टाइम में इसको ऐड किया गया है एज ए न्यू लिस्ट। और इसके एग्जांपल्स है कंप्यूटर, साइबर सिक्योरिटी, ये अभी अभी डेवलपमेंट हुआ है सब आईटी इंडस्ट्री में और टेक्नोलॉजी में, जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अभी अभी हुए ना वो सब इसमें आते हैं। जैसे कि मैंने बोला इसका एग्जाम्पल हो गया कंप्यूटर सेक्टर, आईटी सेक्टर और साइबर सिक्योरिटी, ये सब एग्जाम्पल है इसके। अब इसके बाद हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन की, कि डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। When the powers from the central level and state level are taken up and given to the local government, it is known as decentralization. Decentralization में जो है वो power central और state government से ले लिया जाता है और उसको local government को दे दिया जाता है। अब यह important क्यों है, India being a vast country, हर एक point में हर एक village में ऐसा possible नहीं है कि changes होते रहे, तो for the maintenance and the development of each and every part of the country, decentralization is important. Now, it is important because in local government, the local people are responsible for the changes there. Because उनको ज़्यादा पता होता है कि उनको किस चीज़ में चेंज चाहिए, वो और वही अपना बेटरमेंट के बारे में ज़्यादा सोच सकते हैं कि हमको किस चीज़ में बेटरमेंट चाहिए, किस फील्ड में बेटरमेंट चाहिए, हमको रोड्स अच्छे बनवाने हैं या हमको क्या अच्छा चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का फंक्शन अच्छा चाहिए, तो वो सब यह लोकल पीपल ही अपने बारे में अच्छा बता सकते हैं। तो इसीलिए लोकल गवर्नमेंट होना जरूरी है ताकि लोकल पीपल जो है लोकल गवर्नमेंट से संपर्क कर सके। अब लोकल गवर्नमेंट भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक दो पार्ट्स होते हैं उसके, रूरल गवर्नमेंट और अर्बन गवर्नमेंट, ये लोकल लेवल में ही होता है। अर्बन गवर्नमेंट में म्युनिसिपैलिटीज होती है और जो रूरल गवर्नमेंट में ग्राम पंचायत होते हैं। अब मैं आपको उसका बताती हूँ कि रीजंस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन के। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया बहुत ज़्यादा वास्ट कंट्री है, तो उसमें अच्छे से फंक्शनिंग होने के लिए रूरल एरियाज में ये डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है और लोकल पीपल ही अपनी प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे और हमारे लिए लोकल गवर्नमेंट एक और ऐसा बन जाएगा जहां पे हम अपना विक्टिम रख सकते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो दिस आर द रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। टॉकिंग अबाउट द डिवीजन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट जो है लोकल लेवल पे दो टाइप्स में डिवाइड हो जाती है, एक आता है अर्बन और एक आता है रूरल। रूरल मतलब थोड़े गांव टाइप का, विलेज एरिया, और ये होते हैं टाउन्स। तो इधर पे ना म्युनिसिपैलिटीज प्रेजेंट होती है, म्युनिसिपैलिटीज इधर चेंजेस लाने के लिए प्रेजेंट होती है और यहाँ पे जो होता है वो ग्राम पंचायत प्रेजेंट होता है। पहले तो पंचायत बनता है, पंचायत मतलब कि जब बहुत सारे ब्लॉक्स कंबाइन करते हैं या फिर बहुत सारे जो विलेजेस होते हैं उनके ब्लॉक्स कंबाइन करते हैं तब वो फॉर्म होता है पंचायत। पंचायत के बाद फॉर्म होता है जिला परिषद, सॉरी उसके बाद फॉर्म होता है पंचायत समिति। पंचायत समिति मतलब जब बहुत सारे ग्राम पंचायत कंबाइन करते हैं और एक बड़ा सा फंक्शनिंग ग्रुप बनाते हैं उसको बोलते हैं पंचायत समिति। अब पंचायत समिति के बाद जो आता है वो लास्ट आता है जिला परिषद। ये जो होता है ना ये सबका हेड होता है, ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप है ये इसके अंडर, इसके गाइडेंस में काम करते हैं, इसके अंदर फंक्शन करते हैं। तो ये जो होता है ये सबका हेड होता है और जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं या जो भी काम किया जाता है ना वो जिला परिषद के कंसल्टेंस में किया जाता है। अब हम ये तो हो गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का डिवीजन।
अब हम बात करने वाले फीचर्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट. लोकल जैसे कि फेडरलिज्म का मेन फीचर ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का डिवीजन फीचर है कि पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना. लोकल गवर्नमेंट में भी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी जैसे कि म्युनिसिपैलिटीज का जो हेड होता है ना उसको मेयर बोलते हैं. तो मेयर एक पार्ट हो गया, ये भी इसके पास भी कुछ पावर है कंसंट्रेशन में. और इस म्युनिसिपैलिटीज का मेजर काम क्या है कि वो सारी चीजें कलेक्ट करके, सारी डाटा कलेक्ट करके वो मेयर को देगा और मेयर उसका जो है रिजल्ट निकालेगा, उसका सॉल्यूशन निकालेगा. तो मेयर भी यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो है यहाँ पे पावर शेयर हो गया है. तो उसके बाद हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट. अब जब ना पहले जब गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी उस टाइम क्या हुआ था कि छोटी छोटी पार्टीज फॉर्म होना स्टार्ट हो गया था स्टेट लेवल में, और सेंट्रल लेवल को इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, उसको प्रॉब्लम्स आ रही थी कि स्टेट लेवल में ऐसा क्यों हो रहा है, सेंट्रल लेवल में क्यों नहीं हो रहा. तो स्टेट लेवल में सेंट्रल लेवल ने इंटरप्ट करना चालू कर दिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होने लगा. उसके बाद हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेंट्रल और स्टेट का अगर अच्छा रिलेशन नहीं रहेगा तो कंट्री जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर सकती और अच्छे से फंक्शन नहीं कर सकती. वो फॉर्मिंग अ फेडरल कंट्री कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये था सेंट्रल और स्टेट का रिलेशन जहाँ पे स्टेट के साथ सेंटर के रिलेशन खराब हो गए थे. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने चेंजेस किया और ये दोनों का रिलेशन अगर अच्छा नहीं होगा तो कंट्री की फंक्शनिंग अच्छे से नहीं चल सकती. और why is India a federal country और उसने क्या क्या problems face किए थे federal country बनने से पहले. तो पहले हम पढ़ेंगे language policy. अब ये language policy क्यों बनाई गई थी? Language मतलब कि जो भी हम आम भाषा जो यूज करते हैं हमारे रेगुलर लाइफ में बातचीत करने के लिए. तो ऐसा कहा गया था गवर्नमेंट के हिसाब से सारे जो सेम स्पीकिंग पीपल है जिनका लिंग्विस्टिक ग्रुप सेम है उनको एक ही एरिया में एक ही बैरियर में रखा जाएगा. जैसे कि बिहार में वही लोग रहते हैं जो कि बिहारी लैंग्वेज मोस्ट कॉमनली बिहारी लैंग्वेज बोलते हैं. तो जहाँ स्टेट्स में ऐसा सिचुएशन आया था जहाँ पे सेम लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के लोग रहेंगे तो उस हिसाब से इंडिया को बनाया गया था. अब ऐसा इंडिया ने ऐसा गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा था कि अगर हम ऐसे डिवाइड कर देंगे लोगों को तो शायद हो सकता है कि यूनिटी खत्म हो जाएगी. बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, बल्कि यूनिटी ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि सेम लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के पीपल एक साथ रहने लगे थे, अपने प्रॉब्लम्स का जो है सॉल्यूशन निकालने लगे थे. और लैंग्वेज पॉलिसी मतलब इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ उसका ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि हिंदी है. अब हिंदी जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट अगर किसी पर्सन को किसी और लैंग्वेज में एग्जामिनेशन देना है या फिर किसी और लैंग्वेज में उसको अपना काम करना है तो वो कर सकता है. हर एक स्टेट को ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया जा चुका था कि वो अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चूज कर ले. तो हिंदी जो है वो पूरे ऑल इंडिया में काम आती है, बट हिंदी जो ऑफिशियल लैंग्वेज, बट हर एक स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज होती है. तो ये था लैंग्वेज पॉलिसी. और ऐसे भी होते हैं कि कुछ कुछ लैंग्वेज जो है वो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में कैलकुलेट कर दिया गया, उनको शेड्यूल्ड बना दिया गया. और एक टाइम ऐसा था कि इंग्लिश को एकदम रिगार्डेड किया गया था कि वही एक उसको नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाए, बट कई लोगों को उस टाइम इंग्लिश नहीं आती थी. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको रीचेंज कर दिया और बोला कि इंग्लिश और हिंदी दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा और बाकी लैंग्वेज को भी कंसीडर किया जाएगा. और बहुत सारे लैंग्वेज जो है वो शेड्यूल्ड लैंग्वेज भी माना गया था, उनको कंसीडर कर लिया गया था. इज इंडिया कमिंग टुगेदर फेडरेशन? सर, इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ फेडरल सिस्टम? Sir, the powers are divided into different levels or different organs, and the revenue and the tax system are in consideration of the revenue and tax system is followed in federal country. Write name of any two countries which are the examples of holding together federations. Sir, India and Belgium. One more, except India. Belgium. Sri Lanka. No. Spain. Which of the forms of government has two or more levels of government? Sir, coming, holding together federation. Federal form of government has two or more levels of government. In which list do education, forest and marriages fall? Sir, concurrent list. Where did India conduct its nuclear tests? Sir, don't know. मूवी आई है यार, इसका तो मुझे नहीं पता. मूवी का नाम क्या है? ट्वेल्थ फेल. पोखरण? नहीं पता सर.
पोखरण में कंडक्ट किया गया था ना, राजस्थान न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। When was the report of the state's reorganization commission implemented? The report of the state's reorganization commission implemented. Sir, 1947. No. Anyone? 1965. No. 1956. 1956 is the correct answer. Any question? What is Panchayati Raj? Sir, it is a local self-government that is available in the rural area. What is a Jila Parishad? Sir, Jila Parishad is the head of Gram Panchayat and Panchayat Samiti. When Panchayat Samiti combines, it forms a Jila Parishad. How are members of Panchayat Samiti elected? Sir, in the Panchayat... Sir, the local people available in the villages, they contribute their votes and they form a Panchayat. No. The members of Panchayat Samiti are elected by all Panchayat members in that area. Panchayat Samiti, yes sir. Who are the chairpersons of municipalities and municipal corporations? Mayor. How are members of Jila Parishad elected? Sir, from Panchayat Samiti. And Anyone other question?